मतलब दो रैंक है पहली और दूसरी, इन दोनों रैंक पे 8 बच्चे रॉयल के हैं, फर्स्ट रैंक पे हमारे 4 बच्चे हैं और सेकंड रैंक पे भी 4 बच्चे हैं। मैं चाहूंगा उन 8 बच्चों के लिए आप जोरदार ताली बजाएं। मैं बुलाना चालू करता हूँ एक एक। पहला बच्चा है जिसके 405 नंबर आए सीयूटी में, उसी बच्चे के 534 नंबर आए, शिवम नागर, पूरे राजस्थान में एग्रीकल्चर में टॉपर बच्चा शिवम नागर है। दूसरा जो बच्चा है हमारा एसटी कैटेगरी में, जिस बच्चे के फर्स्ट रैंक है, इस बच्चे का नाम है धीरज मीणा। धीरज मीणा मंच पे आएगा, दौलत राम जी का ये बच्चा है, चित्तौड़गढ़ का रहने वाला बच्चा है। धीरज जो बच्चा है इसी से पूछते हैं, तेरे बेटा लास्ट टाइम जेट का एग्जाम दिया तो कितने नंबर आए थे लास्ट ईयर? 175 नंबर। कौन सी स्कूल से आपने 12th किया? सर सरस्वती धाम सत्यम शिक्षण संस्था जोबनेर की। जोबनेर से पढ़ के आए आप, 12वीं आपने जोबनेर से की है। और इसके अलावा धीरज मुझे ये बताएगा कि आपका बैच कौन सा था बेटा? सर मेरा बैच CS2 था। CS2, RG1, RG2, CH1, CH2, ये पैरेलल बैच आपस में। CS2 बैच का बच्चा है धीरज, पूरी साल पढ़ा, ये बहुत ही अच्छा और सिंसियर बच्चा है। मतलब हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें वो ऑलराउंडर होते हैं, यूं मान के चलो हर एक क्वालिटी उनमें होती है, उनमें से ये एक बच्चा है हमारा धीरज। धीरज जी बताएगा आपको कि बेटा आपके CUT में क्या स्कोर रहा? सर मेरा CUT में स्कोर है 532 नंबर इस बच्चे के CUT में है। जनरल कैटेगरी के अंदर टॉप रैंक जो आएगी ICAR में उनमें ये बच्चा शामिल होने जा रहा है। JET में आपका क्या स्कोर रहा? सर JET में मेरे 360 नंबर है। 360 नंबर JET में है। कौन सी रैंक रही राजस्थान में? राजस्थान में 19 रैंक और ST कैटेगरी में फर्स्ट रैंक। ST में फर्स्ट रैंक है पूरे राजस्थान में, जनरल कैटेगरी में 19वीं रैंक है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा कैसा लगा आपको रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर? रॉयल इंस्टीट्यूट मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं एक्सपेक्ट करके आया था मुझे उससे भी बहुत अच्छा एनवायरमेंट मिला पढ़ाई का। और कुछ विशेष बात आप बोलना चाहोगे बच्चों को? विशेष बात सर हॉस्टल की दिक्कत रहती है बाकी उधर स्कूल में या कोचिंग में, लेकिन यहाँ पे खाना पीना और रहना हॉस्टल का जो भी मैनेजमेंट होता है वो बिल्कुल क्लियर है और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को आराम से भेज सकते हैं? हाँ सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और आपसे मिलूंगा। आइए सर बच्चे का सम्मान करते हैं, प्लीज सर कम। यस।